दोस्तों, फाइनल में पहुंचते ही टीम इंडिया के लिए बजी खतरे की घंटी। अब घमंडी अफ्रीका खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को सरेआम धमकाते हुए दिए हैं ऐसे बड़बोले बयान। बढ़ा दी है करोड़ों हिंदुस्तानियों की टेंशन। क्विंटन डिकॉक से लेकर कगिसो रबाडा, हेनरिक क्लासन से लेकर एडन मार्करम ने अब पार कर दी बदतमीजी की सारी हदें। तो आखिर कैसे अफ्रीकी खिलाड़ियों ने किया फाइनल में टीम इंडिया का स्वागत? ऐसा क्या कुछ कहा इन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के जबड़े से छीनने का ऐलान करते हुए, जिनके बयानों ने इस फाइनल को अभी से एक्साइटिंग बना दिया है? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया और अफ्रीका में कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में खुशियां महीनों बाद उस समय लौट आई जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली। ये तीसरा मौका है जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले साल 2007 और फिर 2014 में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। गयाना में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में उसने इंग्लैंड को 68 रनों से पटखनी देकर अपने जीत के अभियान को जारी रखा। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य था, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजी के सामने पूरी इंग्लैंड टीम 16.4 ओवर में केवल 103 रन बनाकर ढेर हो गई। इंग्लैंड की बेबस बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी ओर से सर्वाधिक 25 रनों की पारी हैरी ब्रुक ने खेली। ब्रुक के अलावा जॉस बटलर ने 23 रन बनाए। इंग्लैंड के साथ बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट चटकाए। इन दोनों के अलावा जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने साल 2022 में इंग्लैंड से मिली 10 विकेट की करारी हार का बदला भी ले लिया। इसके बाद अब टीम इंडिया अपने लक्ष्य से केवल एक कदम दूर रह गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब टीम इंडिया 29 जून को फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। ये मुकाबला किसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि इसका टॉस आधा घंटा पहले यानी कि 7:30 बजे होगा। यानी कि ये चुनौती टीम इंडिया के लिए आसान नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका लगातार अपने सभी मैच जीतकर यहां तक पहुंची है। उन्होंने भारत की तरह एक भी मैच नहीं गंवाया है और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस भी आसमां छू रहा है। तभी तो अब अफ्रीकी खिलाड़ियों ने बेहद अतरंगी और बड़बोले अंदाज में टीम इंडिया का स्वागत इस फाइनल में किया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अफ्रीका की कप्तान एडन मार्करम ने बयान देते हुए कहा कि चाहे इंग्लैंड हो या फिर इंडिया, हमें उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यदि इंग्लैंड आती तो हो सकता है कि हमें थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड के कंपटीशन में टीम इंडिया काफी कमजोर है, क्योंकि इस पिच पर गेंदबाजों के लिए उतना कुछ खास मदद नहीं रहने वाली है और ऐसे में भारतीय गेंदबाज यहाँ हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। रही बात बल्लेबाजी की, तो हमें केवल रोहित शर्मा को आउट करना है, क्योंकि वो फॉर्म में है। यदि हमें उनका विकेट मिल गया तो हम टीम इंडिया को 100 रनों के भीतर भी ऑल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हेनरिक क्लासन का कहना है कि मैं टीम इंडिया से काफी ज्यादा प्रभावित हूं, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन हमने भी खराब प्रदर्शन नहीं किया। हमारे गेंदबाज कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि रोहित के अलावा कोई भी खिलाड़ी टीम इंडिया से रन नहीं बना पा रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि हम फायदे में हैं और आसानी से ये फाइनल मुकाबला जीत जाएंगे। हमें टीम इंडिया चैंपियन बनने से रोक नहीं पाएगी। तो केवल वही नहीं दोस्तों, क्विंटन डिकॉक का तो ये भी कहना है कि टीम इंडिया को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम पिछले वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि टीम इंडिया को हम फाइनल नहीं जीतने दे सकते हैं, क्योंकि हम भी पहली बार फाइनल में आए हैं और ऐसे हमें भी किसी भी कीमत पर ये ट्रॉफी जीतनी है। हम इस मैदान पर पहले आए थे तो हम यहाँ की परिस्थितियों, पिच रिपोर्ट सबसे ज्यादा वाकिफ हो चुके हैं। टीम इंडिया भी तुरंत मैच खेल कर आ रही है तो वो डिसएडवांटेज में रहेगी। मुझे लगता है कि इस मैच में हमारा पलड़ा भारी है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। उनके अलावा अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का घमंड तो सिर चढ़कर बोला और उनका कहना है कि ये फाइनल मुकाबला गेंदबाजों के बीच होने वाला है।
जिस टीम के गेंदबाजों ने सबसे अच्छी बॉलिंग की वो टीम जीत जाएगी। यहाँ की पिच मैंने देखी है, यहाँ स्पिन गेंदबाजों के लिए उतना ज्यादा हेल्प नहीं है और ऐसे में तेज गेंदबाजों के बीच ही हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। शुरुआत में ही टीम इंडिया के रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, क्योंकि हमें पता है यदि हमने उन्हें आउट कर दिया तो भारत के मिडिल ऑर्डर पर दबाव बनाकर हम उन्हें बहुत जल्दी निपटा सकते हैं और यही हमारी रणनीति होने वाली है जिसे हम फॉलो करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनेगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जब इंडिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें सेमीफाइनल की जंग के लिए आमने सामने आई, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में रोहित की पलटन ने जो किया उसे पूरा क्रिकेट जगत कभी नहीं भूल पाएगा। गुयाना का प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले के घमासान के लिए बेकरार था, जहां बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी हुई। फिर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उन्होंने टीम इंडिया को बड़ी ही शान से पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित नाम का तूफान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, एक बार फिर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इनसे करोड़ों भारतीय उम्मीद लगाकर बैठे थे ये टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। पारी की महज दूसरी ही गेंद पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित ने टॉपले को आड़े हाथों लेते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में चौका बटोर कर अपना खाता खोला और अपने इरादे भी साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ विराट की खराब फॉर्म जारी रही। रिस टॉपले ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां विराट कोहली केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। एक बार फिर रोहित और कोहली की ओपनिंग जोड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी उनके आउट होने के बाद। अब मैदान पर मोर्चा संभालने आए थे रोहित के पसंदीदा ऋषभ पंत। एक तरफ से रोहित विध्वंसक अंदाज में बेदर्दी से गेंदबाजों की धुनाई किए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शानदार फॉर्म में थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सैम करन को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच जॉनी बेरस्टो ने लपक कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था। जहां ऋषभ पंत केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए उनके आउट होने के बाद, अब मैदान में अपने बल्ले का जादू दिखाने के लिए सूर्य कुमार यादव को भेजा गया था, जिन्होंने आते विकेट के सामने तीर की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। कमाल की बात तो ये थी कि रोहित का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। पारी का 8वां ओवर लेकर आए जैसे स्पिन के जादूगर आदिल रशीद आते ही उनकी बेदर्दी से कुटाई करते हुए रोहित ने एक के बाद एक 2 चौके मैदान पे 2 कोनों पर लगाए और 7 ओवरों में टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों मुंबई कर खिलाड़ियों ने मजबूती से टीम इंडिया को आगे बढ़ाया, एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 10 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड को मुश्किल में फंसा दिया था। अपनी शानदार बल्लेबाजी से पल भर में कप्तान रोहित ने गगनचुंबी छक्का जड़कर केवल 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और 13 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचाया। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी मैच उस समय पलट जाता है जब लाजवाब फॉर्म में लग रहे कप्तान रोहित भी आदिल रशीद की फिरकी के जाल में फंस जाते हैं। जी हां, 14वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की 4थी गेंद बहुत ज्यादा बाउंस नहीं हुई और रोहित इसमें चकमा खा गए। राशिद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां भारतीय कप्तान रोहित 39 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 57 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे हार्दिक पांड्या, लेकिन दोस्तों, रोहित का विकेट गिरते ही मानो पूरे मैच का पासा ही पलट गया। जी हां, इस बार 16वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान से कैच क्रिस जॉर्डन ने लपक कर टीम इंडिया को 4था झटका दिया था और सूर्य 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 47 रन बनाकर वापस लौटे और अचानक से पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि टीम इंडिया ने 124 रन पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। हार्दिक पांड्या ने भी
18वें ओवर एक के बाद एक दो छक्के जरूर लगाए, लेकिन अगले ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हार्दिक को अपने जाल में फंसाया और हार्दिक 13 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो गरीबी में आटा गीला। उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे तो पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और दो गेंद पर गिरे दो विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। 18 ओवर में भारतीय टीम 147 रन बना पाई थी। हमारे 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। अंत में बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ दो गेंद पर दो चौके लगाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना शुरू किया। 20 ओवर में अक्षर पटेल के छक्के की बदौलत टीम इंडिया 20 ओवर में 171 रनों की फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाई थी। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया ने रन कम बनाए थे। रविंद्र जडेजा 9 गेंद पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे। अब इस लक्ष्य का पीछा करना इंग्लैंड के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लैंड को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए उनके कप्तान जॉस बटलर के साथ फिल सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पारी के तीसरे ही ओवर में जॉस बटलर ने अर्शदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके ठोककर भारतीय खेमे में टेंशन 10 गुना बढ़ा दी थी, क्योंकि शुरू में ही भारत के विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था।